नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड 20 सूत्री कमेटी के उपाध्यक्ष में मोहन कर्मकार ने बिष्टुपुर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्वी सीएम व भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा है। उन्होंने शुक्रवार को जमशेदपुर में बाबूलाल मरांडी के सीएम हेमंत सोरेन पर 1,000 करोड़ रुपए का खनन घोटाले का आरोप लगाने वाले बयान पर नाराजगी जताई और कहा कि अगर झारखंड में खनन घोटाला हुआ है तो इसकी जाँच जरूर होनी चाहिए। झामुमो इस जाँच से घबराने वाले नहीं है। झामुमो नेता मोहन कर्मकार ने कहा कि यह जांच 15 नवंबर साल 2000 से हो, जब से झारखंड राज्य बना है तब बाबूलाल मरांडी ही सीएम थे। इसकी सरकार में भी खनन घोटाले की जांच ईडी करे। मोहन कर्मकार ने कहा कि बाबूलाल मरांडी कई साल से सत्ता से दूर है, इस चीज को अच्छी तरह से जान रहे हैं, क्योंकि आप लोग के माध्यम से ही ये सारी चीजें आज राज्य के जनता तक ये पहुंच रहा है, सारे लोग देख रहे हैं। इसलिए इस पर यही मेरा कहना है कि ना लिफाफा से हेमंत सोरेन कभी घबराने वाले हैं और ना कभी घबराएंगे। और इसलिए इस तरह की अनगरण जो बात कर रही है सारा सर गलत है। दूसरी बात है, जो जिन्होंने कहा कि यहाँ पर माइनिंग का 1,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो साथियों जहाँ तक जांच की बात है, हम लोग जांच से कभी घबराए नहीं। और ये जांच हमको लगता जब से राज बना है इसकी जांच तब से होनी चाहिए। 15 नवंबर 2000 को राज अलग हुआ और उस समय इस राज के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने। और आप सभी लोग जानते होंगे कि राज के भीतर उस समय आज की जो कहा जाता है, जिसे आज उग्रवाद कहा जाता है, राज के हमको लगता है कि गिने चुने जिला में, जैसा कभी कभी सुनने में आता रहा छिटपुट घटनाएं। दुर्गा पूजा को लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस ने एनसीसी के 200 कैडेट्स को उतारा है। इन कैडेट्स में छात्र और छात्राएं शामिल हैं। इन कैडेट्स को साक्षी थाने में शनिवार को डीएसपी कमल किशोर ने यातायात संभालने के टिप्स बताए। इन सभी कैडेट्स को जमशेदपुर के 5 ट्रैफिक थानों मानगो, साक्षी, बिष्टुपुर, जुगसलाई और गोलमुरी इलाके में लगाया गया है। एनसीसी के जो लड़के हैं उनको रात 10 बजे तक क्षेत्र में ड्यूटी करनी होगी। छात्राओं की ड्यूटी शाम को खत्म हो जाएगी। प्रशासन की तरफ से इन 200 कैडेट्स के नाश्ते और खाने का भी प्रबंध होगा। दुर्गा पूजा के दौरान जमशेदपुर नगर क्षेत्र में ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए एनसीसी की तरफ से 200 कैडेट्स यहां पर आए हैं, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हैं। और ये हर एक साल ये एनसीसी के बच्चे आते हैं और जमशेदपुर पुलिस को इनसे काफ़ी सहायता मिलती है, विशेषकर दुर्गा पूजा के दौरान या जब भी कभी ऐसा मौका आया है जब इन कैडेट्स के सर्विसेज की आवश्यकता प्रशासन को पड़ी है, तो ये एनसीसी एक कदम आगे बढ़ के और प्रशासन के मदद में ये अपने कैडेट्स के माध्यम से ये लोग आते हैं। इस बार भी आए हैं। अभी हम लोगों ने बच्चों का ब्रीफिंग किया है और इनको जो जमशेदपुर नगर क्षेत्र में कुल 5 ट्रैफिक थाने हैं, साक्षी, बिष्टुपुर, मानगो, जुगसलाई और गोलमुरी, इनको हम लोग वहाँ पे लगाएंगे। और जो गर्ल्स हैं उनके सर्विसेज को हम लोग जो है कि कुछ कम समय के लिए लेंगे और बॉयज़ हैं वो रात्रि से 10 बजे तक रहेंगे। इनके जो नाश्ते और खाने पीने की व्यवस्था है वह जो है प्रशासन की तरफ से किया गया है। और अभी बच्चों का हम लोगों ने ब्रीफिंग किया है, कैडेट्स का को हम लोगों ने समझाया है कि डूज एंड डोंट्स पूजा के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको बता दें, हर पर्व त्यौहार में पप्पू सरदार अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हैं और शहर भर में सीने तरीका माधुरी दीक्षित के फैन के नाम से प्रसिद्ध है। वे जमशेदपुर अच्छे के स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। नवरात्र के पावन महीने पर इन्होंने 101 महिलाओं के बीच चुंदरी और दुर्गा चालीसा का वितरण किया। उन्होंने कहा कि माता के इस पावन नवरात्रि के मौके पर वे अपनी बहनों की सेवा के इच्छुक थे और इसको ध्यान में रखकर उन्होंने चुनरी और दुर्गा चालीसा का वितरण किया। चल रहा है और हम लोग हर कोई चाहते कि कुछ ना कुछ किया जाए माँ के लिए, और एक बेटा होने के नाते, माँ का बेटा होने के नाते और अपनी बहनों के लिए मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग माँ की चुनरी बांटा जाए और हम दुर्गा चालीसा बांटे, ताकि लोग किसी बहाने पाठ भी तो कर ही रहे हैं और माँ की चुनरी लेके जाएंगे तो कोई घर पर अच्छी तो चढ़ाएगा,
कोई नौवीं के दिन चुन्नी चढ़ाएगा, सबके घरों में पूजा हो रही है माँ की, घर में चुन्नी चढ़ेगी, नई भी कोई चढ़ाएगा घर पर तो माँ की मूर्ति देखने जाएगा तो ले जाके माँ को चुन्नी चढ़ाएगा, उसके बदले अगर मेरी बहनों को रिटर्न वहाँ से चुन्नी मिलती है तो उसके सर में ढकने के काम में आएगी, या बीच में जैसे करवा चौथ आ रहा है या कुछ आ रहा है तो उसी बीच चुन्नी का काम प्रयोग हो जाएगा, तो एक भाई के लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात कोई और हो नहीं सकती। दुर्गा पूजा पर मानगो में वर्टिकल गार्डन बनाए जा रहे हैं या वर्टिकल गार्डन श्रद्धालुओं को स्वागत करेंगे। वर्टिकल गार्डन मानगो चौक, पाडी चौक और डिमना चौक पर बने रहे हैं। इन तीनों वर्टिकल गार्डन पर 7 लाख रुपए खर्च होंगे। यह वर्टिकल गार्डन दुर्गा पूजा पर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षक का केंद्र होगा। 1-2 दिन में वर्टिकल गार्डन तैयार हो जाएंगे। इनका काम जोर शोर से चल रहा है, ढांचा तैयार हो गया है, बस लता और पौधे लगाने का काम बाकी है। और अब चलने से पहले बिग न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।